ये गलती सरकार ने नहीं है, ये गलती हमारी है जो मैं ऐसी सरकार चुनी है। सरकार तानाशाह है, इनकी तानाशाही रहे भैया हमको पसंद नहीं है। ये युवाओं की सरकार है, अगली बार से ये मोदी की सरकार नहीं होगी। ये हम चुन के केंद्र के से हम इनकी पूरी जड़ को उठा के उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसा नेता चुनो कि जिसके बीवी बच्चे हो, क्योंकि ये सर आप देख रहे हो कैसे हो, ये आदमी है ना, किसी का मतलब बच्चे का दर्द नहीं समझते, किसी माँ बाप का दर्द नहीं समझते। जो इस वर्दी के ओरिजिनल हकदार थे वो आज रोड पे हम बैठे हुए हैं, और जो इनके पैसे के बदौलत जो कोरोना के अंदर जो घूसकांड हुआ यहाँ पे इस ऑफिस में बैठकर, वो आज ड्यूटी कर रहे हैं, हमसे कम नंबर वाला ड्यूटी कर रहे हैं, और हम 75 नंबर 80 नंबर ला ला करके आज रोड पे भटक रहे हैं। ये सरकार का नीति और SSC जो दोनों मिलकर जो खेला खेल रहे हैं ना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए, सरासर ना इंसाफी है, उनके भुगताना पड़ेगा इनके अंजामिस को। अभी 17 को किया था प्रोटेस्ट किया था वहाँ पे, इन्होंने सर दिल्ली पुलिस की ने इतनी नीच हरकत दिखाई थी सर वहाँ पे, ये गर्ल्स लोग हैं उनको भी पीटा था सर उन्होंने, और उसके अलावा उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं सर, हम लोगों को पीटा गया, क्या सर हम आतंकी हैं क्या सर? दिल्ली पुलिस ने हमें बहुत मारा उस दिन, मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें परमिशन नहीं दे रहे थे, और बोले थे कि मतलब बहुत मारा, जेंट्स है ना इसे मारा, इसको बहुत मारा जेंट्स पुलिस ने। बाद में लड़कियों को भी बस के अंदर गर्दन पकड़ के खींच रहे थे, बाल पकड़ के खींच रहे थे, मेरे खुद के खींचे बाल और गर्दन। छात्र बैठ कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ये मैडम जी हैं, आपको ये मैम चोट कैसे लगी? पुलिस वालों ने मारा। क्यों मारा? प्रोटेस्ट करने गए थे तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और पुलिस स्टेशन लेके गए। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। SSC GD के छात्र पिछले 4 महीनों से दिल्ली के सड़कों पे भटक रहे हैं। 17 तारीख को जंतर मंतर पर पुलिस के द्वारा बर्बर तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, और आज की तस्वीरें देखिए, ये लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे आके धरना दे रहे हैं। भारी मात्रा में छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से संघर्षपूर्ण तरीके से ये लोग दिल्ली के सड़कों पर पिछले 4 महीनों से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इनके पास न खाने के लिए खाना है, न रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह, फिर भी किसी तरीके से करके ये बंदोबस्त करके ये लोग यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, इस पूरे मुहिम में कई सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, कई सारे लड़के भी हैं, सब लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। 17 तारीख को जो घटना हुई, इन लोगों के ऊपर पहले पुलिस के द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, फिर उसके बाद इन्हें मंदिर मार्ग थाना में बंद कर दिया गया। सारी चीज़ों को समझते हैं। आप कहाँ से? मैं कुमारी रागनी, मैं UP महाराजगंज से हूँ, और हम लोग अपना यहाँ धरना प्रोटेस्ट करने के लिए आए, सरकार से अपना हक मांगने के लिए आए हैं। तो हम लोग बैठे थे 16 तारीख के धरना में, प्रदर्शन देने था हम लोग को, तो लेकिन 16 तारीख को सरकार ने आश्वासन दिया था, दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिलाई थी कि हम लोग गृह मंत्रालय में मिलवाएंगे, वहाँ नहीं मिलवाया गया। फिर हम लोग 17 को अपना प्रदर्शन किए, 17 को प्रदर्शन किए हम लोग जंतर मंतर पे, तो वहाँ से पुलिस ने लात मारे, और लात मार करके जेंट्स पुलिस, महिला पुलिस, ये सारे दिल्ली पुलिस हम लोग को लात मार के बस में बिठाया। बस में बिठाने के बाद हम लोग को ले गए मंदिर मार्ग थाने में, वहाँ थाने में से बहुत सारे लोग बीमार हो गए, मैं भी बीमार हुआ था, मेरे को एजेंसी आँखों में चोट लगी है। हाँ, ये चोट लगी है, दिल्ली पुलिस ने उस दिन मारे थे, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें, और उस दिन हम लोग को थाने ले जाया गया, थाने में कई लोग बीमार हो गए, मैं भी बीमार हुआ था, वहाँ पे हम लोग को ले गया था हॉस्पिटल में हम लोग जैसे ठीक ठाक हुए थोड़ी बहुत, तो फिर ले गया हम लोग को पार्लियामेंट थाने में हम लोग को झूठ मूठ में FIR दर्ज किया गया, और बोला गया कि आप लोग की ज़िंदगी बर्बाद की जाएगी, आप लोग किसी लायक नहीं होगे। फिर हम लोग को धमका धमका के सामने छोड़ा गया, हम लोग को धमकाया इसलिए गया कि फिर इन लोग चले जाएंगे डर के मारे घर, हम लोग जब तक अपना न्याय नहीं मिलता, धमकाया नहीं है, गोली भी मर जाए तो भी हम लोग नहीं जाएंगे। सरकार तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है नहीं, 14 फरवरी के करीब आप लोग दिल्ली के सड़कों पे आ गए थे, तब से लगातार आप विरोध दर्ज करवा रहे हैं, कब सरकार मानेगी आपकी बात? सरकार मानेगी कैसे, उसने ये अपना पैसा और व्यवसाय बना लिया, हम लोग भी अपना पैसा बना लिया, जब तक हक नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, अगर वो अपने पैसे पे तुल लिए तो हम भी अपने पैसे पे ही तुलेंगे, और उससे न्याय लेके अपना जीत लेके हासिल करेंगे। क्या लगता है कि इस तरह से पहले छात्रों के द्वारा फॉर्म भरवाइए, उससे पैसा कलेक्ट करिए, फिर कई फॉर्म रद्द हो जाते हैं, कहीं में वैकेंसी की पूरी फिलिंग नहीं हो पाती, ज्वाइनिंग नहीं होती, ये पूरा व्यवसाय बना हुआ है और क्या, ये बस अपने बजट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने बजट को मजबूती देने के लिए ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत भर्तियाँ निकालती है ताकि ढेर सारे लोग फॉर्म भरेंगे और उसके पास पैसे कलेक्ट होंगे ढेर सारे, बस ये अपना ये व्यवसाय बनाई है इसी तरह से अपनी बजट की मजबूती के लिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके की चोटें आई थी उन लोग उस दिन इन लोगों से, आप कहाँ से हैं मैडम? महाराष्ट्र से। उस दिन जब 17 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था तो आप थी वहाँ? हाँ थे, हम सब थे वहाँ पे। पर क्या कुछ हुआ था?
दिल्ली पुलिस ने हमें बहुत मारा उस दिन, मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें परमिशन नहीं दे रहे थे और बोले थे कि मतलब बहुत मारा जेंट्स है ना, इसे मारा, इसको बहुत मारा जेंट्स पुलिस ने। बाद में लड़कियों को भी बस के अंदर गर्दन पकड़ के खींच रहे थे, बाल पकड़ के खींच रहे थे, मेरे खुद के खींचे बाल और गर्दन, सब लड़कियों की इसके हाथ पे चोट आई। उस कांस्टेबल ने उसे ऐसा खींचा, दरवाजे पर था ना वो, तो उसे फट गया पूरा, उसके हाथ में बहुत बड़ी चोट है। एक लड़की हॉस्पिटल, तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये देखिए कि भारी मात्रा में छात्र बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ये मैडम जी हैं, आपको ये मैम चोट कैसे लगी? पुलिस वालों ने मारा है। क्यों मारा? प्रोटेस्ट करने गए थे तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया और पुलिस स्टेशन लेके गए। देखिए थोड़ा सा भावुक हैं, चोट लगी हुई है, ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों के द्वारा इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, उसके बाद चोट लगी है। और लोगों से बात करते हैं, आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं गुजरात से हूँ। सर कब से आए हैं आप दिल्ली? हम भी इधर 6 महीने से इधर पड़े हुए हैं, इधर फटक रहे, हम अभी तक ज्वाइनिंग दिया। सर हम ये बोल रहे हैं कि ये गलती सरकारी नहीं है, ये गलती हमारी है जो मैं ऐसी सरकार चुनी है, क्योंकि हर बार वो वादा करते हैं कि इतने लाख युवा को रोजगार देंगे। गुजरात से हैं, गुजरात तो प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह राज्य है। वही तो हमारी गलती है ना कि ऐसे हमारे गुजरात वाले इधर आके राज कर रहे हैं, तो हमको भी वर्दी का अधिकार वो मिलना चाहिए। आज तक वो वादा ही करते आ रहे हैं कि इतनी रोजगार देंगे, इतने रोजगार दे, कहाँ दिया? हम चार साल से मेहनत किया, वो हमारा मेहनत का अभी तक फल कहाँ मिला? जो 60,210 पद थे उसमें से लिया गया 54,000 को, तो 54,000 जो लिया गया उसमें से भी आधे बच्चे ने ज्वाइनिंग किया, तो मैक्सिमम हमारी वैकेंसी है ना वो अभी तक 20,000 से 25,000 खाली है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट किया है कि हम जो जितने भी बच्चे ऑल इंडिया से आए हुए उसको हमको ज्वाइनिंग दे दे, और दूसरा कुछ नहीं हमको चाहिए। आप बताइए। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। देखिए जिस तरीके से सरकार हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है, यहाँ हमने सिर्फ 2 मिनट बैठने और हम अपना आंदोलन देने की बात की है, उतने में लोकल हमारे पुलिस अधिकारी जो हैं हमको लेके यहाँ से थाने पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि इतनी बड़ी संविधान, इतनी बड़ी स्वतंत्रता का अधिकार, क्या युवाओं के खिलाफ एक बात आपको उठाने की हिम्मत ही नहीं है? क्या दो स्टार और 3 स्टार के अधिकारी हमको थाने में लेके जाएंगे? हम SSC के सामने ऑफिस में बैठे हैं, क्या SSC के अधिकारी हमसे आके बात नहीं कर सकते? क्या एक हमारी बात नहीं सुन सकते? सरकार तानाशाह है, इनकी तानाशाही रवैया हमको पसंद नहीं है। ये युवाओं की सरकार है, अगली बार से ये मोदी की सरकार नहीं होगी। ये हम चुन के हम अपनी स्टेट से हम अपनी केंद्र के केंद्र के से हम इनकी पूरी जड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं सर ये कर रहा हूँ कि ऐसा नेता चुनो कि जिसके बीबी बच्चे हो, क्योंकि ये सर आपको देख रहे हो कैसे हो, ये आदमी है ना किसी का मतलब बच्चे का दर्द नहीं समझते, किसी माँ बाप का दर्द नहीं समझते। हमारे माँ बाप ने सर मतलब कितने सालों से मेहनत कर करके हमको पढ़ाया लिखाया, तो हमारे माँ बाप एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हमको एक वर्दी मतलब वर्दी मिल जाए, हमको सरकारी जॉब मिल जाए, तब हमारे माँ बाप को चैन मिलेगा। तब तक तो कहाँ तक कितना किराया लेके मतलब कर्जा लेके हमको पढ़ा रहे। उम्मीद है आप लोग को, कब तक आपको अपना हक मिलेगा? उम्मीद तो है हमको, हमारी मतलब जायज़ मांगे, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने जो ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है ना वो हमको पूरा मतलब खेल ख़त्म करके ऐसा रख दिया है। आप बताइए कुछ कह रहे हैं भैया? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग का तो अभी शायद सरकार के साथ साथ पुलिस का भी यही रवैया है कि मारो इन लोग को, पीटो, लाठी चार्ज करो, बस में भर दो। तो हम लोग ने भी ठान लिया है जितनी मार सकते हो हम आपका स्वागत फूल से कर रहे हैं। हमारे सभी साथी यहाँ पे फूल रखे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, सभी साथी हम लोग फूल से स्वागत उनका करेंगे, ठीक है? आप हम पे लाठी मारिए, हम आपको फूल से स्वागत करेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए यहाँ लड़ते रहेंगे। और जो SSC हेडक्वार्टर को हमने आज चुना है टारगेट करने का, सारा खेल हमारा जो हक को छीना गया है इसी कार्यालय में बैठ के भ्रष्ट अधिकारियों ने यहाँ पे बैठ के हमारे खेल को बिगाड़ा है। इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जो हम लोग रिटर्न पास किए थे 5,40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, जब आप इतनी बड़ी लिस्ट घोषित कर सकते हो, 1,75,000 फिजिकल पास की उसका लिस्ट आप घोषित कर सकते हो, तो आप जो 1,09,000 मेडिकल पास के उसका लिस्ट आपने क्यों नहीं घोषित किया? आप राउंड फिगर में क्यों बताना चाहते हो कि हम 1,09,000 को मेडिकल फिट किए? आप इसका लिस्ट जारी कीजिए ना, अगर आप पारदर्शिता दिखाए होते तो शायद हम यहाँ नहीं खड़ा होते और आप हमें बोलने का हक नहीं होता। लेकिन आपने शुरू से ही घोटाले करने का काम किया है। जो इस वर्दी के ओरिजिनल हकदार थे वो आज रोड पर हम बैठे हुए हैं, और जो इनके पैसे के बदौलत
जो कोरोना के अंदर जो घूसकांड हुआ यहाँ पे इस ऑफिस में बैठकर, वो आज ड्यूटी कर रहे हैं, हमसे कम नंबर वाला ड्यूटी कर रहे हैं और हम 75 नंबर 80 नंबर ला ला करके आज रोड पे भटक रहे हैं। ये सरकार का नीति और एसएससी जो दोनों मिलकर जो खेला खेल रहे हैं ना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए, सरासर ना इंसाफी है, इनको भुगताना पड़ेगा इनके अंजाम इसको। ठीक है, तो ये युवाओं का गुस्सा है और इनका गुस्सा जायज भी है। 2018 में ये भर्ती निकली थी और ये जितने भी युवा हैं सारे एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, रिटर्न फिजिकल सब कुछ क्लियर है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये इन लोगों का आरोप है। सरकार अपना पक्ष बताती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी एसएससी के हाथ में है। एसएससी के दफ्तर के बाहर ये लोग धरना दे रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए कितनी भारी मात्रा में ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी इन लोग का कहना है कि ये इनकी आधी संख्या है। आप सोचिए जरा, अगर ये आधी संख्या है तो पूरी संख्या कितनी होगी, इनकी ताकत कितनी है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। 17 तारीख को ये लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, तब पुलिस के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इनको भरकर थाने में ले जाया गया। कई लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके ऑक्सीजन अभी भी लगे हुए हैं, इस तरह की खबरें हैं। इनसे बात करना चाहते हैं सर। अभी आप बोले हो आधे हैं सर, ये तो अभी 10% स्टूडेंट आया हुआ है, पूरा नहीं आया। पूरा आ जाएगा तो सर पता नहीं क्या करेगा सर, ये उसको बुला लेगा, नेवी एयरफोर्स आर्मी को बुला लेगा मुझे लगता है, जहाँ तक है दिल्ली पुलिस इतना कुआ है। अभी 17 को दिया था, प्रोटेस्ट किया था वहाँ पर, इन्होंने सर दिल्ली पुलिस की ने इतनी नीच हरकत दिखाई थी सर वहाँ पर, ये गर्ल्स लोग हैं उनको भी पीटा था सर उन्होंने, और उसके अलावा उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं सर, हम लोगों को पीटा गया। क्या सर हम आतंकी हैं क्या सर, हम स्टूडेंट हैं सर, अपना जॉब लेने आए, जो हमने प्रक्रिया पूरी की है, जो ऐसी एसएससी ऑफिस देकर आ रहे हैं ना आपको, आप इसको दिखाइए सर, ये एसएससी ऑफिस देकर आना, ये अपना फिजिकल मेरिट और मेडिकल हम सभी क्वालिफाई तीनों जो रहता है इसका प्रोसेस वो कंप्लीट किया, इसके बावजूद हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया इसने सर, ज्वाइनिंग देने का हक बनता है नहीं बनता सर। अभी जो ज़्यादा मार्क्स आया है सर वो सब सर देखो यहाँ भटक रहा है, जिसका कम मार्क्स है वो ज्वाइनिंग कर रहा है सर, तो क्या है सर 80 नंबर लाने के बावजूद भी नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन सर एक ऐसा प्रक्रिया है इनका भ्रष्टाचार का सर, सबसे बड़ा वही है सिस्टम इसका, जिसके 75 मार्क्स हैं उसके 90-90 कर दिए सर, जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसके कम कर दिए सर, ये कैसा है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार इसकी नीतियों के कारण आज हम सड़क पर भटक रहे हैं। अभी नहीं सर, हमको पिछले 6-7 महीनों से भटक रहे हैं, लेकिन इनको अभी कोई एहसास नहीं है, ये सरकार को और इसको इनके कर्मचारियों को सब इसी तरह स्टूडेंट को सर परेशान किया जा रहा है बार बार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।